तो यार फिलहाल हो रहा है रात का टाइम और मैं काट रही हूँ अभी प्याज। कल बनेगी हरे प्याज की सब्जी, तो वही कट कर रही हूँ। पापा आज ले आए हैं, काफी टाइम बाद पापा लेके आए हैं हमारा प्याज, तो बस इसी की सब्जी बनेगी सुबह को। और थोड़ा ही लाए हैं क्योंकि प्याज खाने वाले सिर्फ 4 जने हैं, बाकी तो कोई खाता नहीं है, तो इसलिए थोड़ा ही लाए हैं। और फिर नवरात्रि भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो सोच रहे हैं, मम्मी सोच रही है फिर कल ही बना लें, तो इसलिए मैं लेके आ गई हूँ। वैसे तो मम्मी काट देती है सब्जी शाम के टाइम, सुबह बन जाती है फटाफट, बट क्योंकि प्याज व्याज है ना, तो मैंने कहा मैं ही काट देती हूँ अच्छी तरह, तो इसलिए मैं लेके आ गई हूँ ऊपर। और प्याज काट रही हूँ, खाना पीना खा चुका है, डिनर हो चुका है, अभी बज रहा है रात के 10, तो ये काट के रख देती हूँ, तो सुबह के लिए ना यार जल्दी हो जाता है। और एक और सब्जी बन जाएगी घिया की सब्जी, तो घिया तो सुबह ही कट जाएगी। और ये सब्जी मैं यहाँ इसलिए काट रही हूँ क्योंकि बाहर काटूंगी, किचन विचन में तो आप लोगों से बात नहीं कर पाऊंगी क्योंकि हस्बैंड के ही चल रही है कॉल, उनकी बातचीत होती रहती है, तो इसलिए बाहर करूंगी तो आप लोगों से बात नहीं कर पाऊंगी, तो इसलिए मैं अंदर लेके आ गई हूँ। मैंने कहा आप लोगों से बातें भी होती जाएंगी और सब्जी भी कटती जाएगी, क्योंकि तो यार उनका काम चलता है ना हस्बैंड के हाथ में, तो बात नहीं हो पाती फिर, तो इसलिए मैंने कहा बैठ के काट लूँ क्योंकि पैरों में ना बहुत दर्द हो गया, सफाई करी है ना किचन की, तो पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तो मन का आराम से बैठ के तसल्ली में काटेंगे। तो चलिए आपसे मिलते हैं अब कल सुबह। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये होने लग गई है सब्जी बनने की तैयारी, एक साइड में रखी है चाय और जो घिया की सब्जी है वो दीदी ने बना दी ऑलरेडी, तो बन चुकी है। यहाँ पे सबसे पहले यार मैं आलू जो फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि आलू गल जाएंगे तो प्याज तो बहुत जल्दी गल जाता है, बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, बस ये आलू सॉफ्ट हो जाए। तो अभी फिलहाल मैंने जीरे में बस आलू डाल दिया और कुछ नहीं डाला, हींग डाल दी थोड़ी, और यहाँ जब तक मैं लगा लेती हूँ आटा, जब तक आलू पक रहे हैं, बीच बीच में आलू भी चलाती जाऊँगी और अपना आटा भी तैयार हो जाएगा। तो यार जो आलू है वो हो गए हैं फ्राई और उसमें मैंने डाल दिया अब टमाटर। अब टमाटर को गला लेंगे, टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे उसके बाद मैं सारे जो मसाले हैं वो ऐड कर दूंगी। और नमक मैंने ऐड कर दिया था आलू में भी और टमाटर में भी थोड़ा सा डाल दिया है ताकि जल्दी सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे वही अपने नॉर्मल जो बेसिक मसाले हैं, हल्दी मिर्च और धनिया पाउडर भी डालते हैं इसमें, बट धनिया पाउडर यार पिसा हुआ नहीं था तो मैंने वो अवॉइड कर दिया, वो नहीं डाला है। बाद में जो है गर्म मसाला ऐड कर देंगे बस। और ये जब मसाला भून गया तो इसमें मैंने डाल दी हरी प्याज। अब हरी प्याज डालने के बाद जो ये पानी छोड़ेगी, इसके बाद मुझे 10 मिनट के लिए और पका लेना है, पानी वानी सब सूख जाए, तो बस फिर सब्जी बन के रेडी है। ये देखिए गर्मा गर्म सब्जी एकदम यम्मी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। तो बस यहाँ पे सेक रही हूँ मैं अब रोटियाँ, पापा के लिए लंच पैक कर देती हूँ। यार लंच पैक करने के बाद मैं आ गई हूँ नीचे पूजा करने के लिए। गोपाल जी को जो है मम्मी ने नहला दिया था, तो मुझे बस पूजा करनी है और फिर ऊपर जाके चाय वाय पी लेते चल के। यार अब पी लियो मैं चाय, आप लोग भी पी लीजिए आके। और ये हस्बैंड की रख दी, अभी उठेंगे तो दे दूँगी उनको, तो मैं पी लेती हूँ क्योंकि मुझे भी उठे हुए हो गया बहुत टाइम, बहुत देर से उठी हुई हूँ। इसके साथ खा लेती हूँ बिस्किट। मैं यार पोंछा लगा दी थी तो मुझे ना फ्रिज की याद आ गई एकदम से, मैंने कहा फ्रिज क्लीन कर देती हूँ। वैसे तो अभी क्या था कुछ टाइम पहले ही, बट क्योंकि नवरात्रि स्टार्ट हो रहा है तो मैंने कहा थोड़े से दाग धब्बे पड़ गए थे तो मैंने कहा वो क्लीन कर देती हूँ, तो बस वही खोल के बैठ गई हूँ मैं। फटाफट से कपड़ा मार देती हूँ, कॉलोनी वगैरह साफ़ कर देती हूँ। और जीनू का पता है आपको, टी वी देख रही थी बट फिर भी आ गई उठ के, चॉकलेट दिख गई उसको रखी हुई तो चॉकलेट के पीछे पड़ गई थी। देखो क्या कर रही है लड़की। अरे जीनू लाइट नहीं है, कपड़े कहाँ से धो लेंगे आज।
क्यों डाल लो सर्फ? देखो अपने आप डब्बा खोल के और ये सर्फ डालने लो। लाइट आ गई किट्टू जब से बैठे थे लाइट के बैठे में भाई लाइट। ये देखो चाचा ने फोन लगा है पावर बैंक से। जीनू आ जाओ जीनू, वो देखेंगे जल्दी आ, कार्टून देखेंगे जल्दी आ। तो यार लाइट गई हुई थी आज, चार तीन चार घंटे तो हो गए होंगे लाइट गए हुए, और अब जाके लाइट आई है। और लाइट नहीं थी तो मैं भी जब से बाहर ही बैठी हूँ। देखो मैंने अपना उलिया भी सही नहीं करा, ना बाल काटे ना कुछ, जब से ऐसी बैठ के एडिटिंग कर रही थी बाहर, क्योंकि लाइट जब नहीं होती तो कुछ मन नहीं करता है कुछ करने का। तो अरे जीनू तो यार मैं रेडी हो चुकी हूँ, एक्चुअली चाय वाय पी चुके हैं सब। चाय पहले मम्मा बेटू आप जाओ खेल लिया करो कभी जाओ। और अभी हम निकल रहे हैं मार्केट के लिए, एक्चुअली कुछ सामान लेके आना। मैं भी आ रही हूँ क्योंकि कल से नवरात्र स्टार्ट है तो सामान। मैं भी आ रही हूँ। जीनू बाद में बोलना, बीच में बोला करो मेरे। जीनू गुस्सा हो गई, मैंने उसे डांट लगा दी। सिंगार का सामान सोच रही हूँ लेके आ जाऊँ, और जीनू के कपड़े देख लेंगे अच्छे मिले तो वो ले आएंगे। कुछ सामान है ऐसे छोटे मोटे जो मुझे लेके आना है, तो बस निकलते हैं जल्दी से लेके आते हैं, फिर खाने पीने में लगना है, खाना पीना बनाना है, तो कुछ भी फटाफट से आ जाते हैं लेके। मेरा बेटू बात करेगा। और देखो जीनू बता नेल लाया था, नेल का दिखा दो। नहीं ये तो पट्टी है, नेल का है मुझे लाए थे आप। देखो जीनू लाया था कितना बड़ा नेल। तो यार जीनू को मनाने के बाद हम लोग आ गए मार्केट बड़े मुश्किल से मानी वो। तो ये गोपाल जी की ड्रेस लेने आई हूँ मैं, तो ये लेके चलते हैं, बाकी सामान हमने ले लिया है, फिर घर के लिए निकलेंगे। चार नंबर और मार्केट आए थे तो सोचा यार गोलगप्पे भी खा ही लेते हैं, फिर तो रहते हैं 9 दिन का। और वैसे भी गोलगप्पे तो बनते हैं ना मार्केट आओ तो बस वही खा लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे घर पे। ओ जीनू के नए नए कपड़े आ गए, दिखा दो लो सबको, दिखा दो फ्रेंड्स को दिखा दो। वाह, एंड ये वाली ये किसकी टी शर्ट है? मेरी भी है देखो जीनू। और ये किसकी है मिक्की माउस वाली? मेरी है क्या? हाँ मुंह देगा। मिक्की माउस वाली है जीनू की। और मेरे का और ये वाली ये मेरी है। हाँ इसे खोल के देखो, फिश है इसमें। हाँ अरे तो शार्क है। शार्क है, हाँ। और भी है बेटा, बहुत सारी लाए आपके लिए। एक देखो ये री। एक है और वो देखो पहले। हाँ ऐसे अच्छी है, अच्छे लगे कपड़े। और भी है? नहीं बस खत्म। जीनू को सबसे अच्छी कौन सी लगी बताओ? ये वाली मिक्की माउस वाली, मेरे को पता था जीनू को ये अच्छी लगेगी। अरे अभी तो रात हो रही है, कल जाएंगे घूमी करने। आ जाओ चलिए, आज के ब्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे, आपसे मिलते हैं कल किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अगर आज के ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज को लाइक करके आना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बाकी चलिए कल सुबह जल्दी उठ के करते हैं माता रानी की पूजा। चलिए बाय कर दो बाय। गुस्सा क्यों होता है बार बार? मैंने कहा डांटा, बैठ के बाय करो, आपका चेहरा नहीं आ रहा। चलिए बाय, टेक केयर, खुश खुश।